कीनिया की पुलिस की कत्ल कहानी कई सवाल छोड़ गई। पुलिस रिपोर्ट में एक किरदार खुर्रम अहमद मंजराम से गायब क्यों है? कीनिया के मीडिया में किसी वकार अहमद का जिक्र भी आया है, वो भी अब तक सामने नहीं आया। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल को 3 रोज गुजर गए। कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट पर कई सवाल उठ गए। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुबैना तौर पर अरशद शरीफ के भाई खुर्रम अहमद गाड़ी में साथ थे। कत्ल के बाद खुर्रम अहमद कहाँ चले गए? खुर्रम अहमद कीनिया में क्या करते हैं? खुर्रम अहमद का अरशद शरीफ से क्या ताल्लुक था? क्या गाड़ी खुर्रम अहमद की थी? गाड़ी पर 9 गोलियां फायर की गईं। खुर्रम अहमद कैसे महफूज रहे? The farm owned by Sharif's friend hosts a hotel and a shooting range. According to staff who work here, on the fateful day, the evening of the 23rd of October, Sharif left Kenya farm while in the company of his brother Khurram Ahmed. कीनिया के मीडिया में एक और किरदार वकार अहमद का जिक्र किया गया। सवाल है कि वकार अहमद वाकये के बाद सामने क्यों नहीं आए? सबसे अहम सवाल, कीनिया की पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।